था वो करप्ट हो गया था, तो जिसके वजह से हमारा इस लैपटॉप को लिए हुए मैं लिया था 2016 में और अभी चल रहा है 2020, यानी लगभग 4 से 4.5 साल हो चुका है। और 4 से 4.5 साल के बीच में मैंने जितना भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट जमा किया हूँ सारा का सारा इसी लैपटॉप में है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ना कि आप सिर्फ खाली जो अगर विंडोज करप्ट हुआ है तो खाली जिस भी हार्ड ड्राइव में आपने क्या किया है विंडोज का इंस्टॉलेशन करके रखा है, यानी पार्टीशन करके रखा है एक अलग, सिर्फ वही उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा गलती कर दिए थे हम, छोटा सा गलती, वो भी सोशल मीडिया से ही सीख के वो गलती किए थे, तो वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि मैं क्या गलती किया था। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको रिकवर कैसे करें वो बता देता हूँ। मेरा जो हार्ड ड्राइव था वो 1 TB का था, ये देख सकते हो स्क्रीन पे 1 TB का था, बस एकदम पूरा का पूरा खाली हो चुका था जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। 931 GB का 931 GB हमारे पास टोटली खाली हो चुका था। वहाँ पर पूछने में वो जो हमारे पास पेन ड्राइव नहीं था, बूटेबल पेन ड्राइव, तो वो पूछने में कि आपका फॉर्मेट करना पड़ेगा, ये सिर्फ हम जवाब सिर्फ हाँ बोलने में ना कम से कम 1 घंटा लगाए थे, सोच कर पूरा सोच कर टेंशन में आ गए थे। अब कोई जवाब ही नहीं था या तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर फॉर्मेट करना पड़ा पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव। बट आपको से अगर ये गलती नहीं भी होता है कोई भी रीजन से, मान लीजिए विंडोज करप्ट भी नहीं होता है, कुछ गलती से फॉर्मेट हो गया, तो उसको कैसे रिकवर कर सके, वो भी फ्री का सॉफ्टवेयर में। अगर कहीं आप शॉप पे जाओगे तो वहाँ 8,000 से 10,000 चार्ज करेंगे, ठीक है। तो चलो यार मैं बता देता हूँ कि इसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है आई केयर रिकवरी, ठीक है, फुल वर्जन में डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले जो लिंक है यहाँ पर से, ये तो मैं नीचे कमेंट में इसका लिंक दे दूँगा जहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पर है डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक, और यहाँ पे एक जीप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ। और हाँ, वीडियो को आप इस वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखना मेरे भाई, क्योंकि इसको मैं क्या है ना कि अगर कोई भी आप गलती करते हो स्टेप में तो वहाँ पे आपको क्या होगा ना कि वीडियो ओपन ही नहीं होगा, इमेज वगैरह शो कर जाएगा बट वीडियो ओपन ही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम बता देगा। तो इसीलिए देख लो थोड़ा सा। तो इस तरीका का आपके पास जिप फाइल आ जाएगा, तो इसको लेफ्ट करके आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना, ठीक है। करने के बाद एक इस तरह का फाइल आ जाएगा। फाइल आने के बाद इसको इंस्टॉल भी नहीं करना है, ये जो आपको दिख रहा होगा आई केयर डाटा रिकवरी, तो इसको सिर्फ क्या करना है, इसको डबल प्रेस करना है, ठीक है। किस इस तरीका का इंटरफेस आने के बाद एस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद एक खुद एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि बिना इंस्टॉल किए हुए है रिकवर करेगा। अगर आपका फॉर्मेट हुआ है तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका सिर्फ रिसाइकल विन से अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। यहां पे आपको जितना भी पार्टीशन है सारा का सारा शो हो जाएगा। और हां, यहां एक डाउट रहता है कि मैंने यहां पे 5 पार्टीशन करके रखा था, तो मेरा तो अब पार्टीशन जो है फॉर्मेट होने के बाद सिर्फ एक ही बच गया है, तो मैं उसको कैसे रिकवर करूँ। हाँ, तो ये जो है जो एक पार्टीशन आपका बचा है ना, तो आप उसको जितना जितना का भी पार्टीशन पहले था फॉर्मेट होने से पहले उतना उतना का पार्टीशन आप बना लो, क्योंकि बनाने के बाद आसानी से रिकवर हो जाता है। अगर आप नहीं बना के रिकवर करना चाहते हैं तो वो डीप रिकवर करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप पहले पार्टीशन कर लो ना, उसके बाद फिर रिकवर कर लेना। जो भी आपको सेलेक्ट करने का मन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि सेलेक्ट करने के बाद आप अगर रिकवर करते हो तो कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने उस टाइम जब रिकवर मैं खोज ही रहा था कि कैसे रिकवर करूँ, बट उसको मैं स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करके नहीं रखा था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, लेकिन मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर लिया था कि आगे हो सकता आप लोगों के साथ शेयर करना पड़े, तो मैं शेयर कर दूँगा। तो इसीलिए तो पहले मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए हम कोई भी एक
हार्ड ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, पार्टीशन थर्ड वाला ही सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो आपका नीचे में डब्बा दिख रहा है पूरा का पूरा, यहाँ तक फिलअप होने के बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो मैं कट किया तो सिर्फ एक पार्टीशन आया है, ठीक है। तो अभी एक पार्टीशन नहीं आएगा, जब आप करोगे तो बहुत सारा वहाँ पे पार्टीशन देखने के लिए मिलेगा। अब कैसा देखने के लिए मिलेगा इंटरफेस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने ये वीडियो वहाँ पे मोबाइल से बना कर रखा था कि बनाने का काम आएगा। ये आप देख सकते हो, अब भी नहीं, ये मैं वापस आता हूँ। हाँ, अब ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पार्टीशन, आपने जब से नया लैपटॉप खरीदा है या तो हार्ड ड्राइव को परचेज किया है तब से अभी तक का जितना भी है सारा का सारा यहाँ पार्टीशन दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप गौर से देखिएगा ना तो यहाँ पे इतना सारा लाइन में से एक जो डब्बा आपको पहला वाला दिखेगा ना, वो ग्रीन रंग यानी हरा रंग से दिखेगा। सिर्फ आपको उसको बगल में टिक कर देना है, टिक करने के बाद उसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये नहीं सोचिएगा कि हम सारा डब्बा को रिकवर कर लेते हैं, सारा फाइल को रिकवर कर लेते हैं। ये सारा फाइल में क्या होता है, कैच वगैरह होता है जो कि आपने डिलीट उलीट कर दिया है बहुत पहले, वो सब रहता है। तो वो सब रिकवर करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये आपके लिए सेपरेट, जो कि लेटेस्ट में जो भी डिलीट हुआ है या तो फॉर्मेट हुआ है, वो आपको एक फाइल बनाकर दे देगा जो कि आपको ग्रीन से यहाँ पे नज़र आएगा फर्स्ट में ही, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद ये देख सकते हो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद उसको टिक कर देना है पहले वाले को। टिक करने के बाद यहाँ पर से नीचे आकर यहाँ पर से देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पहुँच जाओगे इधर। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जितना भी सारा का सारा फाइल है इधर आपको नज़र आ जाएगा। मेरा था कैलकुलेशन CHSL, करेंट अफेयर था, और फिर है डायरेक्शन क्वेश्चन रीजनिंग का, फिर इंग्लिश है, इंग्लिश फुल कोर्स है, GK GS है, हिस्ट्री वाइज सुनील सर, सारा का सारा यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात रहा कि आपका बीच बीच में ये जो सारा फाइल इधर दिख रहा है, बीच बीच में एक आ फाइल ये देख सकते हो यहाँ पे लॉट्स फाइल है, तो उसको भी आपको रिकवर करना है। अगर आप वो रिकवर नहीं करते हो या तो फिर उसको पे बिना टिक किए हुए यहाँ पे रिकवर अगर आप कर देते हो तो आपको क्या होगा कि वीडियो ओपन ही नहीं होगा। तो आपको सारा का सारा रिकवर करना है, जो जो फाइल में था वो सब यहां दिखेगा, जो जो फाइल में नहीं था बिना बस हार्ड ड्राइव में ऐसा ही डाला हुआ था वो सब इस यहां पे नजर आ जाएगा। तो आपको सारा पे टिक कर लेना है, टिक करने के बाद यहां पे रिकवर का ऑप्शन रहेगा, रिकवर कर लेना है, ठीक है। वहां से हो सकता है पाथ आपको सेलेक्ट करने के लिए मिले तो कर लेना मेरे भाई। बस नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि मेरा मैंने क्या ऐसा सोशल मीडिया से देखकर मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दिया था जिसके कारण हमारा जो था वो विंडोज करप्ट हो गया। एक्चुअली विंडोज 10 के चलते मैंने ऐसे किया था, और वो भी मिररलेस होता है ना कि मोबाइल फ़ोन को स्क्रीन चला सकते हैं PC पर, हम वो करने के चक्कर में और बहुत सारा कुछ हमको सीखने के लिए भी मिला। एक गलती हुआ लेकिन खुशी इस बात का है कि रिकवर भी हो गया और हमको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिला। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता बता दूं कि क्यों मैंने क्या ऐसा गलती किया जो कि नहीं करना चाहिए था, और आप लोग को भी मत कीजिएगा क्योंकि वैसा गलती करने के बाद कोई उपाय नहीं है बिना फॉर्मेट का, ठीक है। और क्या क्या चीज़ हमको सीखने के लिए मिला, क्या नया फीचर्स, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाय। वीडियो लंबा हो गया होगा बट फ़ायदा के लिए है।